ये देखिए हमारे साथ बीजेपी के जो नए उभरते हुए स्टार हैं और हिमंत बिश्व शर्मा इनका नाम है। हिमंत बिश्व शर्मा अभी लाइव है। हिमंत बिश्व शर्मा के पास आज दो दो चीजों के लिए, तीन चीजों के लिए बहुत खुश होंगे। एक तो है कि जो बीजेपी की 328 सीटें आ रही है, दूसरी जो है जो खबर मुझे मिल रही है कि 9 सीटें आसाम में आ रही है। एनडीए की कितनी सीटें हिमंत जी, एनडीए की कितनी सीटें हैं, आपके पास क्या खबर है? अभी तक हम अभी आउट ऑफ 25 वी आर लीडिंग इन 20। 25 से 20 सीट्स लीड कर रही हैं। मगर हिमंत बिश्व शर्मा को कांग्रेचुलेशन इसलिए भी कहना पड़ेगा क्योंकि ये क्रैक टीम अमित शाह के क्रैक टीम में से थे जिनको बंगाल भेजा गया था। और लोग चौंक गए थे कि हिमंत बिश्व शर्मा उत्तर प्रदेश में थे कि बंगाल में, कोई सीक्रेट मिशन में इनको भेजा गया था और पता भी नहीं था लोगों को कि इनका मिशन है, जब तक ममता बनर्जी ने इनके गाड़ी को अटैक किया। हिमंत बिश्व शर्मा, आज जो रिजल्ट है असम में, बंगाल में और राष्ट्र में, उसके बारे में आपका विश्लेषण दीजिए। और सभी और सबसे बड़ी बात हिमंत बिश्व शर्मा, जो स्मृति ईरानी का खबर आ रहा है अभी कि स्मृति ईरानी आपके जो फेवरेट नेता है राहुल गांधी, जिन्होंने आपको एक प्लेट में बिस्किट दी थी और उनके कुत्तों को खिलाया था और उसके बाद उनको आपको बोला था आप ही उस प्लेट से खाइए, राहुल गांधी पीछे है स्मृति ईरानी के, तो आज एक ऐतिहासिक जीत होने वाली है। हिमंत बिश्व शर्मा, आपको क्या लग रहा है आज के पूरे चुनाव के बारे में, कुछ आपका ग्राउंड एनालिसिस दीजिए। नहीं, मेरा तो पहले से मानना है कि दिस इज अ विक्ट्री फॉर आवर सिविलाइजेशन। जो भारत का सभ्यता है 5000 साल का, ये सभ्यता को बहुत लोगों ने सेकुलर लिबरल नाम में डिमोलिश करने का कोशिश किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भारतीय सभ्यता का जो विरामहीन विकास इनको आगे बढ़ाया, उनका सम्मान ऊंचा किया, तो मेरा यही एक शब्द में मैं बोलूँगा, इट इस इज अ विक्ट्री फॉर इंडियन सिविलाइजेशन, दिस इज अ विक्ट्री फॉर नेशनलिज्म। एंड जो भारत बोल के जो हमारा जो एक माँ है, ये भारत माँ का आज विजय है। जो लोग भारत माँ को अवमानना किया, राष्ट्र को टुकड़े टुकड़े करने का बात किया था, और जो लोग भारत का सभ्यता 5000 साल का सभ्यता का जो जसैसा जो एक महानुभवता उनको मानने के लिए जो लोग स्वीकार नहीं करता था, उनके लिए आज चुनाव का परिणाम, मेरा मन में यही है कि भारत का लोगों का यही आंसर है वो लोगों के लिए।